वर्ष 2004 में मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी 5 अरब से अधिक रुपए खर्च होने के बाद भी मात्र 624 गौशाला मध्य प्रदेश में स्थापित की जा सकी हैं। वास्तविकता यह है कि मूलभूत सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध नहीं है। उक्त आशय का आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के सदस्यों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गौवंश की वास्तविक संरक्षण की मांग की है। दरअसल स्थिति यह है कि गायों के संवर्धन से ज्यादा गौपालन संवर्धन बोर्ड के संचालन में धनराशि खर्च कर दी गई। स्थिति यह है कि राज्य स्तरीय कार्य परिषद का गठन अभी तक नहीं किया गया। अलबत्ता मुख्यमंत्री के द्वारा आम जनता पर गाय कर लगाने की घोषणा अवश्य कर दी गई। गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड का आज से 16 वर्ष पहले गठन मध्य प्रदेश में कर दिया गया। करोड़ों रुपए इसके संचालन में खर्च कर दिए गए, लेकिन अगर स्थिति देखी जाए तो गौवंश की स्थिति प्रदेश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मात्र 624 ग्राम पंचायतों में ही गौशालाएं बनाई गई हैं, जिसमें से स्थिति ये है कि 485 में लाइट नहीं है, 435 में पानी नहीं है। कुल मिलाकर भारी अव्यवस्था है। हजारों की संख्या में गौवंश यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अगर एक विशेष दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्यमंत्री द्वारा टैक्स लगाने की बात की गई है इस पर कि गौ कर के रूप में, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है और गौ संवर्धन के नाम पर एक खेल हो रहा है मध्य प्रदेश में। हमने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि आप यथार्थ में काम कीजिए धरातल पर, अन्यथा हम समस्त मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे।